गाइज गुड मॉर्निंग, राम राम सर सभी को। कैसे हो दोस्त? तो गाइज अभी मैं आया हूँ फूडी हट पे। यहाँ पर जो है ना एक कुल्लड़ पिज्ज़ा बनाते हैं लोग और वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, तो बस वही जानने आ गया कि वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लोकेशन कहाँ है। ये है फूडी हट और इसकी लोकेशन है, ये है हमारी सबसे पुरानी सब्जी मंडी घंटाघर के पास। उसका ये दूसरा गेट है, वहाँ से ही थोड़ा सा दूर या फिर कहें घंटाघर से, ये रास्ता जो है घंटाघर से आ रहा है, लगभग 150 मीटर की दूरी पर ये फूडी हट है। तो क्या क्या मिला है तूने इस डिब्बे में? कौन कौन सी वेजिटेबल्स है? अनियन है, कैप्सिकम है, कैरेट है। अच्छा, चार तरह की वेजिटेबल्स है। टमाटो है, टमाटर भी है, बिना लाइट की मिक्स ही है। यहाँ ये सब कहाँ से सीखा तूने? बस आइडिया ट्राई करके आ जाता है, मतलब घर पे ट्राई किया है। अच्छा, तो वीडियोस देख के, यूट्यूब पे वीडियोस देखी बहुत सारी हैं। तो बेसिकली सारा काम जो है तूने वीडियोस से देख देख के सीखा है। कितना टाइम लग गया होगा सीखने में? देखो ये वाली डिश बना रहे हैं मैं, चार पाँच दिन लग गए थे। आप क्या कह रहे हैं? इसके अंदर सॉसेज है। सॉसेज है, मेयोनीज वगैरह? ये मेयोनीज नहीं है, इसके अंदर मेयोनीज के अंदर घर पे बनाई हुई है। अच्छा, मेयोनीज के अंदर मिक्स किया हुआ है मसाले वगैरह? ये तेरी घर होम मेड है? ये सॉस है। अच्छा, ये भी घर पे बनाई हुई है? ये घर पे। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ी सी लहसुन की चटनी। अच्छा, ये लहसुन की चटनी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, स्पाइसी है, कहाँ चाहिए ज़्यादा नहीं थोड़ा। वो फूडी हट नाम तूने खुद ने रखा है, मतलब ये जो प्रिपरेशन थी कितने टाइम से चल रही थी? प्रिपरेशन करने में लग गए 2 महीने। 2 महीने से? वैसे ग्रेजुएट क्या है? बीसी है। ओके, तो इससे पहले कहीं जॉब वॉब करता था क्या? हाँ, जॉब करता था। तो ये अभी कितने टाइम हो गए ओपन किए हुए? लास्ट 21st। जॉब किस डिपार्टमेंट में था? मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट में थी। तो जॉब छोड़ के अब खुद का काम स्टार्ट किया है? तो अच्छे से मिक्सिंग कर दी जो भी मटेरियल तैयार किया है, जो हमारी सॉसेस थी। अच्छा अच्छा, तो मतलब खुद का एक्सपेरिमेंट भी है इस पर और देख के भी सीखा है? हर चीज़ सेम तो मिल नहीं सकती ना, वीडियोज देख देख के। ये क्या है? मतलब मिर्ची को पहले सुखाया है फिर निकाला है। सबसे प्योर कुल्लड़। कुल्लड़, ये तो कुल्लड़ को अच्छे से साफ करके फिर घेर रहे हैं। 50 रुपये का ये कुल्लड़ पिज्ज़ा? 50 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ का प्राइस भी ठीक है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है प्राइस, मिनिमम हमारा। ये क्या कॉर्न्स गिर रहा है? अच्छा अच्छा, और ज़्यादा टेस्टी बना रहा है। स्वीट कॉर्न उबले हुए होते हैं? हाँ, बॉयल कर रखे हैं। अच्छा, बॉयल कर रखे हैं, अब फिलिंग कर देंगे। हाँ, हाफ फिल करने के बाद जो सॉस बनाई है वो आप इससे घेर रहे हैं? थोड़ी सी डालेंगे जिससे इंटरनल टेस्ट और अच्छा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पूरी तरीके से स्टफिंग कर दी है तुमने? हम इसमें लिक्विड चीज़ डालेंगे। लिक्विड चीज़? ओके ओके, इसको थोड़ा सा चलो अच्छे देंगे, फिर उसके ऊपर हम अपनी दूसरी सॉस डालेंगे। डाइस चीज़ वापस से स्वीट कॉर्न है, ऑरिगेनो वापस, टमाटर सॉस। अब तो अभी देख के ही वो आ रहा है पानी। अच्छा, 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, तो पहले कैसे था वो अब देखो, अब शेप कैसी है, बिल्कुल ही अलग है। गाइस इनिशियली बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, थोड़ा ठंडा होने का वेट कर लेते हैं फिर खाएंगे इसको, बताते हैं आपको रिव्यू इसका कैसा है। हालांकि वैसे ही पहले ही बहुत फेमस हो चुका है तो हम तो नाम मात्र के रिव्यू करेंगे। गाइस यम्मी, मज़ा आ रहा है खा के, बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस ये हैं यहाँ के ऑनर अंकुर जी, जिन्होंने सारा काम यूट्यूब से सीखा और भी बहुत सारी चीज़ों से, और फिर खुद ट्राई किया और फिर आज मतलब बहुत टेस्टी कुल्लड़ पिज्ज़ा बनाया। बहुत और भी सारी चीज़ें हैं जो टेस्टी हैं पर कुल्लड़ पिज्ज़ा इनका ज़्यादा फेमस हो चुका है, और मैं भी यही कहूँगा कि आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। अभी जोमेटो पे हो क्या? जोमेटो स्टार्ट हो जाएगा हमारा एक दिन में। अच्छा, जोमेटो विल बी स्टार्ट, और इसी नाम से होगा फूडी हट? फूडी हट, तो जोमेटो से भी ऑर्डर कर पाएंगे 2-3 दिन के बाद। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्यार बनाए रखना, भाई को सपोर्ट करना। टिल देन सी यू लेटर गाइस, राम राम सर सभी।